नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कांग्रेस मुश्किलों के दौर से गुजर रही है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता भी मुश्किलों में घिरे हैं ये भी एक सच है। जी हां, खबरों की माने तो गुजरात कांग्रेस के नेता और प्रदेश अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी अपनी पत्नी से परेशान है और उसी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मेरी पत्नी रेशमा के सिर्फ मेरी दौलत में दिलचस्पी है, उसे मेरी मौत का इंतजार है। विपक्षी दल मेरी पत्नी के साथ मिलकर मेरे 30 साल के राजनीतिक करियर को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तीसरी शादी करने जा रहा हूं और पत्नी रेशमा से तलाक का इंतजार कर रहा हूं। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि मैंने 1992 में राजनीति में प्रवेश किया। कांग्रेस के एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष तक की जिम्मेदारी मिली। पिछले कुछ समय से मेरी पत्नी के विवाद का फायदा अब विरोधी भी उठा रहे हैं। जब भी चुनाव आते हैं तो पत्नी और मेरे बीच के किसी न किसी विवाद को हवा दे दी जाती है। यह सिर्फ चुनाव के वक्त ही होता है। मैं राजनीति में हूं तो ही इसे बड़े विवाद के रूप में देखा जाता है। इस देश में ऐसे कई परिवार, कई ऐसे पति पत्नी हैं जिनके बीच विवाद चल रहे हैं, उनका वैवाहिक जीवन मुश्किल में है। अगर परिवार में सुलह नहीं हो पाती है तो मामला कोर्ट में चला जाता है। मेरे मामले में भी यह बात समझनी चाहिए। पिछले 15 सालों से मेरे और मेरी पत्नी के बीच सिर्फ औपचारिकता का रिश्ता है। मैंने इतने सालों में हमेशा यही कोशिश की कि परिवार का मामला परिवार के अंदर ही रहे, इसीलिए हम तलाक चाहते हैं। जानकारी देते चले कि कुछ दिन पहले उनकी पत्नी रेशमा ने उनका एक लड़की के साथ वीडियो पोस्ट किया था। इस मामले पर सोलंकी ने कहा कि बहुत दुख की बात है कि मुझे अपने निजी जीवन पर सार्वजनिक रूप से चर्चा करनी पड़ रही है और मीडिया का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में मेरा एक वीडियो सामने आया था जिस पर विवाद उठा। सच बात तो ये थी कि मैं अपनी दोस्त के साथ आइसक्रीम खाने गया था। मैं तो अपनी पत्नी से तलाक लेकर तीसरी शादी करने की सोच रहा हूँ। फिलहाल मैं कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि गुजरात कांग्रेस पर क्या हो रहा है और इसका कारण क्या है। देखना होगा कि सोलंकी जी को कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं।